हेलो बच्चों आज हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट थर्टी एट तो प्रैक्टिस सेट थर्टी एट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग तो सबसे पहले हमको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना होगा और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स होते हैं तो so, आपको फोर साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसको नेम देना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड आफ्टरवर्ड हमको क्या करना है नेम द फॉलोइंग नेम द फॉलोइंग मीन यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड टोटल सिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमको सॉल्व करना है चलो स्टार्ट करते हैं हम वन वन बाय इसको सॉल्व करना तो ये हमने क्या किया है क्वाड्री लेटरल ड्रॉ कर लिया है जिसमें फोर साइड्स हैं अब हम इस क्वार्री लेटरल को नेम करते हैं लाइक यहाँ पे नेम क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो हम इसके एक एक वर्टेस में ये नाम रखते हैं एक्स ब्लू तो ये हमारा क्वार्रीलेटर ड्रॉ हो गया है अब हम इसके वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल मीन्स यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो है एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड और एंगल डब्लू एंड वॉट इज द क्वेश्चन द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल तो जैसे ये एक्स है तो इसको ऑपोजिट एंगल क्या होगा जेड होगा और जैसे ये वाई है तो इसको ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा डब्ल्यू होगा तो so, हम इसके कुछ ऑपोजिट एंगल्स लिख लेते हैं तो so, पहला पेयर जो होगा वो ऑपोजिट एंगल का वो होगा एंगल एक्स एंड एंगल जेड एंगल एक्स एंड एंगल जेड दे आर ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल एंड सेकेंड ऑपोजिट एंगल हम ले सकते हैं एंगल वाई एंड एंगल डब्लू एंगल वाई एंड एंगल डब्ल्यू सो दिस इज द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स सेकेंड क्वेश्चन है द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो साइड्स क्या होते हैं जैसे ये एक्स वाई है दिस इज अ साइड वाई जेड दिस इज अ साइड डब्ल्यू जेड दिस इज अ साइड एक्स डब्ल्यू ये जो है ये क्या है इसके साइड्स हैं और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो हमको क्या करना है उसके ऑपोजिट साइड जैसे हमने वन साइड लिया एक्स वाई तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा डब्लू जेड और अगर हमने ये साइड लिया लाइक एक्स डब्लू देन इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा वाई जेड होगा तो ये हम इसको लिख लेते हैं हम अभी साइड फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड या तो आप साइड लिख सकते हैं या फिर सेगमेंट लिख सकते हैं साइड एक्स वाई एंड साइड डब्लू जेड सो दिस इज द साइड एक्स वाई और इसका ओपोजिट साइड होगा डब्लू जेड एंड द सेकेंड ऑपोजिट साइड इज साइड एक्स डब्ल्यू एंड साइड वाई जेड तो यह नेक्स्ट जो हमने पेयर लिया वो लिया एक्स डब्ल्यू सो दिस इज द साइड और इसका ऑपोजिट साइड होगा वाई जेड तो ये हमने फाइंड कर लिए इसल के देयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री द पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड एडजस्टेंट साइड मीन्स उसके साइड uh, तो अभी हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया था ओपोजिट uh, साइड जैसे ये एक्स वाई था इसको ऑपोजिट था डब्लू uh, जेड वैसे ही जैसे ये एक्स वाई है तो एक्स वाई का जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा वाई जेड होगा और वाई जेड का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा ये होगा डब्ल्यू जेड डब्लू जेड का एडजेसेंट साइड होगा एक्स डब्ल्यू तो अब हम इसके सारे एडजेसेंट साइड्स को लिख सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब है उसके जस्ट बगल वाला तो पहला जो होगा वो होगा साइड एक्स वाई एंड साइड वाई जेड मीन्स दिस इज एक्स वाई साइड तो इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा वाई जेड और अगर हमने वाई जेड को लिया है तो वाई जेड का एडजेसेंट साइड हो जाएगा डब्ल्यू जेड और यू कैन राइट दब्ल्यू ऑल्सो अगर आप जेड डब्ल्यू लेंगे तो इसका ऑपोजिट एडजेसेंट साइड हो जाएगा एक्स डब्ल्यू दैट मीन्स आप इसमें और भी पेयर्स बना सकते हैं सो दिस इज आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट मीन्स उसके बगल वाला जैसे कि एंगल है तो यहाँ पे अगर हमने एंगल एक्स लिया है तो एंगल एक्स का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल वाई और अगर हमने एंगल वाई लिया तो एंगल वाई का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा एंगल जेड एंगल जेड भी हो सकता है एंगल एक्स भी हो सकता है और अगर हमने एंगल जेड लिया तो एंगल जेड का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल डब्लू और एंगल डब्लू का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल एक्स तो ये हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये होंगे एडजस्टेंट एंगल सेकेंड पेयर हम बना सकते हैं एंगल वाई एंड एंगल जेड थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा एंगल जेड एंड एंगल डब्लू नेक्स्ट पेयर आप बना सकते हैं एंगल डब्लू एंड एंगल एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ये हमारा फिगर है तो इसका हमको अगर इसके डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं तो हम क्या करेंगे इसके टू ऑपोजिट वर्टिस जो हैं उसको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे और ये ऐसे सो दिस इज द डायगोनल्स ऑफ द क्वाटरिलेटरल सो इस क्वाटर इलेट्रल में डायगोनल कौन से होंगे जैसे ये एक्स जेड है डायगोनल एंड इज द सेकेंड डायगोनल वाई डब्ल्यू दिस इज द सेकेंड डायगोनल नाउ वी कैन राइट द डायगोनल्स दो सो द फर्स्ट डायगोनल इज द डायगोनल एक्स जेड एंड द सेकेंड डायगोनल इज द डायगोनल वाई डब्ल्यू ये हमने कैसे लिखा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये फिगर में फर्स्ट डायगोनल जो होगा वो होगा एक्स जेड और जो सेकेंड डायगोनल वो होगा वाई डब्ल्यू द नेम ऑफ द क्वाड्री लेटरल इन डिफरेंट वेज दैट मीन्स हम क्वाटरी लेटरल को अलग अलग वे में कैसे हम उसका नाम लिख सकते हैं लाइक दिस इज आर क्वाटरी लेटरल सो वॉट इज द नेम ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज क्वाटरी लेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नाउ द वॉट द अदर वे वी कैन गिव द नेम वी कैन गिव द नेम वाई जेड डब्लू एक्स Okay, and next the name we can give, we can start with the Z. Z, W, X, Y. And what other name we can give? We can give quadrilateral W, X, Y, Z. In this way, we can write the different names of the quadrilateral. So, this is the different names of the quadrilateral quadrilateral X, Y, Z, W, quadrilateral Y, Z, W, X. क्वाडरीलेटरल जेड डब्लू एक्स वाई क्वाड्रीलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड सो इन दिस वे यू कैन राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द क्वाड्रीलेटरल सेकेंड क्वेश्चन इज द इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइट्स द पॉलीगॉन हैज सो दीज आर द डिफरेंट पॉलीगॉन्स और उसमें कितने साइड्स होते हैं वो हमको लिखना है सो हियर इज द नेम्स एंड हियर इज द नंबर ऑफ साइड्स सो क्वाड्रीलेटरल यू नो दैट क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं देर आर फोर साइड्स आर देर ऑक्टागोन ऑक्टागोन में टोटल एट साइड्स होते हैं पेंटागोन में फाइव साइड्स एंड हैप्टागोन में कितने साइड्स होते हैं सेवन साइड्स होते हैं और हेग्जागोन में टोटल कितने सिक्स साइड्स होते हैं वॉट इज क्वेश्चन नंबर थ्री लुक फॉर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन्स इन योर सराउंडिंग्स मतलब हमारे सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स हैं जो हम देख सकते हैं ड्रॉ देम तो उसमें से हमको uh, कुछ ड्रॉ करने हैं एंड वी हैव टू गिव द नेम्स ऑफ सम पॉलीगॉन्स विच वी कैन सी अराउंड नाउ आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टॉप साइन सो so, आप कहीं पे आप सिग्नल पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एक स्टॉप साइन होता है तो स्टॉप साइन में आ, कितने ये भी क्या है एक पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है पॉलीगॉन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट साइड्स हैं इसमें सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन दैट इज ऑक्टागॉन ना वी कैन टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल सो दिस इज़ अ हनी कॉम्ब हनी कॉम्ब जो होता है उसमें आप उसके uh, एक सिंगल आप इसके पार्ट को लेंगे तो आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसमें सिक्स साइड्स होते हैं देट मीन्स अ हनी कॉम इंडिविजुअली इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हैगजागॉन नाव वी कैन सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स इन आर सराउंडिंग दैट इज आप फ्लोर के टाइल्स को देखते हैं तो जनरली वो या तो रैक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होते हैं तो फ्लोर टाइल्स जो है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन मोर एग्जाम्पल आई रोट दैट इज़ अ फ्लैग तो फ्लैग का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन दिस इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल सो दिज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल विच वी कैन सी इवन अदर देन दिस अगर आपके पास में और भी कोई एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज यू कैन सी सो मेनी पॉलीगॉन स्ट्रक्चर अराउंड यू सो यू कैन राइट देयर नेम ऑल्सो विथ Draw the structure and write the name of that. क्वेश्चन नंबर फोर है वी सी पॉलीगॉन्स वेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लार्स पेटल्स क्या होते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लार का उसको हम उसके पेटल्स कहते हैं सो पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लार्स सो ड्रॉ दिज पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन्स तो इसमें हमको क्या करना है कुछ फ्लार्स के एग्जाम्पल्स लेने हैं उसके नंबर ऑफ साइड्स को हमको काउंट करना है एंड वी विल हैव टू टेल दैट वॉट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स आर दे उसमें कुछ एग्जेम्पल्स हम ले सकते हैं सो हियर इज फ्यू एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट फ्लावर आई हैव टेकन इज द वाइट ट्रिलियम ट्रिलियम सो वाइट ट्रिलियम इज द फ्लावर विच इज हैविंग थ्री पेटल्स सो थ्री पेटल्स मीन्स देर आर थ्री साइड्स आर देर सो दिस इज ट्राएंगल इन शेप सो दिस इज अ ट्राएंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राएंगल एंड द नेक्स्ट फ्लावर विच आई हैव टेकन इज द पेरीविंकल पेरीविंकल में कितने साइड्स होते हैं आप देख सकते हैं इसके आप सारे पेटल्स के टिप को अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो इसमें टोटल फाइव साइड्स होते हैं दैट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटागॉन नेक्स्ट फ्लावर यू कैन टेक एज अ मॉर्निंग मीडो मॉर्निंग मीडो यू कैन सी देर आर फोर पेटल्स फोर साइड्स आर देर सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रीलेटरल अदर देन दिस फ्लावर यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अदर फ्लावर्स ऑल्सो

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मीन्स एक हेक्जागॉन फिगर दिया हुआ है और उसको हमने क्या किया है डिवाइड किया है ट्राएंगुलर में जैसे आप देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दैट मीन्स यहाँ पे फोर ट्राइंगुलर पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है दर्कआउट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स तो उसमें जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमको उसका क्या करना है सम फाइंड आउट करना है

of the angles of a triangle is 180 degree है ना तो मतलब जो एक ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगल के जो थ्री साइड्स होते हैं उन थ्री साइड्स का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है वन एटी डिग्री होता है सो देयर फोर दसम Of the measure of the angles of four triangles is. तो इसका मेज़र कितना होगा सो देर आर टोटल फोर ट्राइंगल्स आर देयर सो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं फोर हैं और उसमें वन ट्राइंगल का मेज़र जो होता है एंगल वो कितना होता है वन एटी डिग्री होता है तो वन एटी डिग्री में आप फोर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वन ट्वेंटी डिग्री सॉरी सेवन ट्वेंटी डिग्री सो वी कैन राइट कंक्लूज़न सो द सम ऑफ द angles of the given polygon is 720 degree so this is the answer of fourth one